उन नियमों को आपको खासकर पालन करना है जिनकी अभी भर्ती लगी हुई है, तो वो लोग इन नियमों का खासकर पालन करें, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। इस सेना भर्ती के द्वारा कुछ चेतावनी दी गई है, जिसमें से कुछ नियम हैं आप देख सकते हैं, 1 से लेके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 8 कालम ये चेतावनी के बनाए गए हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं धीमे धीमे से इसको नीचे ले जा रहा हूँ। इसके बाद आवश्यक सूचना है, इसमें आवश्यक सूचना में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं, वो डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। आप धीरे धीरे मैं इसको पॉज के दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको भर्ती बोर्ड मना कर देगा और आप उस भर्ती से नहीं देख सकते हैं ड्यूटी। कब से कब तक भर्ती चलनी है ये पूरी डिटेल है इस पर। किस दिन कौन सी तहसील लगी हुई है इसमें पूरी जानकारी दी गई है। टोटल 15 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक ये भर्ती चलने वाली है। दलालों से बहुत ही सावधान रहें, आर्मी में किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं चलती है। इसको आप पूरा देख सकते हैं। दलाल एजेंटों सावधान रहें, भर्ती करने में किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं, केवल आपको गुमराह कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय आगरा, सेना भर्ती पूर्णतः निःशुल्क है, रिश्वत ना दें। इस कार्यालय का कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है अथवा यदि आपके पास इस कार्यालय में भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना है अथवा यदि आप इस भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं तो आप विभाग के प्रमुख से इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। अंदर एक सेल बनाई गई है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कंप्यूटराइज, निःशुल्क, निष्पक्ष और पारदर्शी है। भर्ती के लिए किसी को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती होने के लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आप अपने दम पर ही पास हो सकते हैं। सेना में भर्ती की प्रक्रिया में हर जगह पर CCTV कैमरे लगते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर कोई अभ्यर्थी दूसरे जिले की भर्ती में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं तो उसे पहचान करके उसे न केवल अवैध करार दिया जाएगा बल्कि उसे अपने खुद के जिले की भर्ती देखने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। आर्मी बोर्ड की तरफ से बिल्कुल भी उसको बैन कर दिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी गलत दस्तावेजों के साथ पाया जाता है तो उसे आने वाले समय में कभी सेना भर्ती देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपके हाथ में टैटू है, हथेली के पीछे वाले हिस्से, कोहनी से लेकर कलाई तक, बाजू के अंदर वाले हिस्से पर हो, पक्का चिन्ह सेना का भर्ती इसलिए मान हो सकता है। शरीर के अन्य हिस्से पर पक्का चिन्ह सेना की भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। आप लोग इससे सावधान रहें, जो कुछ होगा आपका होगा। ये देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है हाईवे किनारे, ये सभी जो गार्जियन होते हैं जो साथ में आते हैं बच्चों को लेके, और जो बच्चे हाइट पर एडमिट कर दिए जाते हैं वो भी हैं इसी में। ये देखिए पूरा, जो बच्चे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे नियमों को देख रहे हैं, नियमों को पढ़ रहे हैं पूरा, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था। इसके बाद मैं आपको रैली की टाइमिंग बताऊँगा कि कितना टाइम